नमस्कार, रक्षाबंधन पर्व की शुभकामनाओं के साथ द उत्तराखंड न्यूज में आपका स्वागत है। सीमांत सहित अन्य जनपदों की मुख्य खबरों में, सीमांत जनपद पिथौरागढ़ में रक्षाबंधन पर्व उत्साह पूर्वक मनाया गया। बहनों ने भाइयों का तिलक कर कलाई में रक्षा सूत्र बांधकर उनकी दीर्घायु की कामना करते हुए मुंह मीठा कराया। साथ ही भाइयों ने बहनों को उपहार देकर उनकी रक्षा करने का संकल्प लिया। सावन मास की पूर्णिमा रक्षाबंधन पर्व पर जनपद भर के मंदिरों व घरों में पूजा अर्चना की गई। भद्रा के चलते दोपहर बाद जनेऊ धारण किए गए और रक्षा सूत्र बंधन हुआ। जिले के दूरस्थ क्षेत्रों से बहनों ने मायके पहुंचकर भाइयों को रक्षा सूत्र बांधा। जिला मुख्यालय के चिमिसिया नौला स्थित ब्रह्म कुमारीज राजयोग केंद्र में रक्षाबंधन पर्व पर विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। शुभारंभ केंद्र की संचालिका डॉक्टर उपा पाठक ने करते हुए कहा कि रक्षाबंधन पवित्रता के सूत्र में बंधने का त्योहार है। उन्होंने अलौकिक रक्षाबंधन मनाए जाने के महत्व पर भी प्रकाश डाला। शुभारंभ अवसर पर बीके रिया ने नृत्य व बीके यामिनी ने राखी पर स्वरचित गीत की प्रस्तुति दी। इस दौरान डॉक्टर भागीरथी गर्ब्याल ने अपने विचार व्यक्त किए। इस अवसर पर केंद्र के सभी सदस्य उपस्थित थे। राजकीय इंटर कॉलेज पीपलकोट के प्रधानाचार्य मोहन चंद्र पाठक की अगुवाई में छात्राओं ने इको फ्रेंडली रक्षाबंधन पर्व मनाते हुए पेड़ों में तिलक लगाकर रक्षा सूत्र बंधन कर पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लिया। सामाजिक चिंतक डॉक्टर तारा सिंह ने खड़कोट स्थित राजकीय निराश्रित महिला कार्यशाला में निराश्रित महिलाओं के साथ रक्षाबंधन पर्व मनाया। इस दौरान केंद्र अधीक्षक रविंद्र कुमार ने डॉक्टर तारा सिंह के प्रयासों की सराहना की। घनश्याम ओली चाइल्ड वेलफेयर सोसाइटी के बच्चों ने सेना की पर्यावरण बटालियन, पुलिस, आईटीबीपी जाजरदेवल व आईटीबीपी डीडीहाट वाहिनी मुख्यालय पहुंचकर सभी जवानों की कलाई में राखी बांधी। संस्थाध्यक्ष अजय ओली ने सभी को शुभकामनाएं दी। जिले के बेरीनाग, गंगोलीहाट सहित अन्य तहसील क्षेत्रों में भी रक्षाबंधन पर्व धूमधाम से मनाया गया। ऑपरेशन विजय के शहीद हवलदार कुंदन सिंह खड़ायत की 24वीं पुण्यतिथि पर पूर्व सैनिकों ने श्रद्धांजलि अर्पित की। वड्डा क्षेत्र में आयोजित श्रद्धांजलि कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिक संगठन 12 कुमाऊं के जवानों व स्थानीय लोगों ने शहीद को श्रद्धासुमन अर्पित कर 2 मिनट का मौन रखा। हवलदार कुंदन सिंह ने आज ही के दिन जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से लोहा लेते हुए अपना सर्वोच्च बलिदान दिया था। पूर्व सैनिक संगठन की ओर से सूबेदार मेजर देव सिंह भाटिया, जिला सैनिक कल्याण कार्यालय के भुवन जोशी, सूबेदार मेजर दिवाकर सिंह ने स्मारक पर पुष्प चक्र अर्पित किया। इस दौरान संगठन द्वारा शहीद की माता खीमा देवी का शाल भेंट कर सम्मानित किया। इस मौके पर पूर्व सैनिक संगठन के उपाध्यक्ष मयूख भट्ट ने शहीद को श्रद्धांजलि अर्पित करना चारधाम यात्रा के पुण्य से बढ़कर होना बताया। कार्यक्रम के तहत पूर्व सैनिकों ने कोलकाता व रुद्रपुर की घटना की कड़ी निंदा करते हुए दोषियों को फांसी की सजा दिए जाने की मांग की। रक्षाबंधन पर्व के अवसर पर आज जाग उठा पहाड़ द्वारा पिथौरागढ़ नगर क्षेत्र में पहली बार महिलाओं के लिए निशुल्क टैक्सी सुविधा उपलब्ध कराई, जिसको लेकर रक्षाबंधन पर भाइयों के घर गई महिलाओं ने संगठन के प्रयासों की सराहना की है। जाग उठा पहाड़ के संयोजक गोपू मेहर ने अपने संसाधनों से विभिन्न मार्गों पर चलने वाली टैक्सियों में रक्षाबंधन पर्व पर बहनों को निशुल्क टैक्सी की सुविधा उपलब्ध कराई थी। संगठन के संयोजक गोपू मेहर ने कहा कि संगठन जन मुद्दों को लेकर संघर्ष करने के साथ ही समाज सेवा के कार्यों को भी लगातार संचालित करता आ रहा है और करता रहेगा। यदि आपने इंटरमीडिएट पास कर लिया है तो उच्च व्यावसायिक शिक्षा में प्रवेश के लिए मानस कॉलेज ऑफ साइंस टेक्नोलॉजी एंड मैनेजमेंट पिथौरागढ़ में आपका स्वागत है, जहां उत्कृष्ट शिक्षण एवं व्यक्तित्व विकास के साथ ही आप 3 वर्षीय डिग्री कोर्सेज सोबन सिंह जीना विश्वविद्यालय अल्मोड़ा की मान्यता के साथ प्राप्त कर सकते हैं। प्रवेश प्रारंभ हो चुके हैं, शीघ्र संपर्क। पिथौरागढ़ में बीते शाम से शुरू हुई बारिश के कारण जनपद भर के विभिन्न मार्गों में मलबा आने से यातायात प्रभावित रहा और नदी नाले उफान पर आ गए। आज सोमवार को दोपहर में बारिश थम गई।
बारिश के कारण पिथौरागढ़ झूलाघाट मार्ग में बिस्खोली के पास पहाड़ी दरकी और मलबा व बोल्डर आने से मार्ग अवरुद्ध हो गया, जिससे दर्जनों वाहन व यात्री मार्ग में फंस गए। मलबा हटाने का कार्य जारी था। आपदा कंट्रोल रूम से मिली जानकारी के अनुसार सोमवार को सुबह जिले में 2.5 दर्जन से अधिक मार्ग बंद थे। मार्गों को खोलने के प्रयास लगातार जारी थे। जिले के तेजम तहसील क्षेत्र में सर्वाधिक 210 व बंगापानी में 130 mm बारिश हुई। समिति में दूध देकर घर लौट रहे एक युवक पर भालू ने हमला कर गंभीर रूप से घायल कर दिया। इस दौरान युवक ने साहस का परिचय देते हुए हमलावर भालू की नाक पर पत्थर से जोरदार वार किया और हल्ला मचाया तो भालू उसे छोड़ जंगल को भाग गया और युवक की जान बच गई। हालांकि युवक को भालू के हमले में चोटें बताई जा रही हैं। मिली जानकारी के अनुसार नैनीताल जनपद के पहाड़पानी के धारी तहसील की ग्राम पंचायत मजूली के सेलालेख गांव में सोमवार की सुबह कफरौली निवासी मनोज कुमार उम्र 38 वर्ष दुग्ध समिति में दूध देकर घर को लौट रहा था। इस दौरान अचानक मार्ग में युवक पर भालू ने हमला कर दिया। मनोज ने साहस का परिचय देते हुए भालू की नाक पर पत्थर से जोर से वार करते हुए हल्ला मचाया तो भालू जंगल की ओर भाग गया। भालू के हमले से मनोज के पैर में खरोंचे बताई जा रही हैं। स्थानीय लोगों ने बताया कि बीते दिनों से क्षेत्र में आए दिन भालू दिखाई दे रहा है, जिससे लोगों में दहशत व्याप्त है। ग्रामीणों ने वन विभाग से भालू को पकड़े जाने की मांग की है। हर रोज प्रदेश भर की मुख्य खबरों से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक शेयर व सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।